एक दूजे के वास्ते। दिवाली की तुम अपने सनकी के साथ नहीं मनाई तो क्या खाक दिवाली मनाई? आज तो लेके जाएंगे अपने शेर को। बिल्कुल सर, कई बार आप ऐसी बातें कर देते हो ना, मैं फिर से आपका फैन बन जाता हूँ। अरे चलो ए। अजीब सन की आदमी है, दोपहर में प्लान बना कि मिलेंगे, बोला था घर पर ही होगा, और ये देखो। आप कॉल तो करो सर, पता तो चले अपने सनकी साहब हैं कहाँ। हम लोग भी चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। गुड नाइट। गुड नाइट। रमन भैया, ये किसका रूम है? था कभी मेरा, अब नहीं है। कम से कम यहां तो कुछ नहीं बदला। रमन भैया, ये तो आप हो ना? हाँ मैं ही हूँ। पता है मेरी स्कूल फोटो में मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। ये आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ चल आजा बताता हूँ। ये है साहिब। साहिब, ये कैसा नाम हुआ? इनको देखो कितने गोलू मोलू हैं। इनका नाम तो लड्डू होना चाहिए। तू कह तो बिल्कुल सही रहा। तुझे पता है इसका नाम लड्डू होना चाहिए। जब स्कूल में था ना तो ये बहुत खाता था, बहुत मोटा था, पर लड्डू की तरह स्वीट भी था। ये है अनीश। तुझे पता है इससे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन आज एक आर्मी ऑफिसर आई है। और ये है देविका। तुझे पता है लास्ट ईयर ही इसकी ना एक आर्मी ऑफिसर से शादी हुई है। और ये है सुमो। वो? ये तो सुमन दीदू है ना? आपने अपने स्कूल टाइम में दीदू का नाम सुमो रखा था? हाँ, कभी कभी तंग करने के लिए हम सुमो बुलाते थे। पर अब तो आप सुमो बुलाते ही नहीं हो। हाँ वीर, अब वो वक्त ही गया। पहले हम बच्चे हुआ करते थे, अब बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। पता है जब से मैं भोपाल आया हूँ मेरी अपने किसी फ्रेंड से बात नहीं हुई। आपकी तो बात होती होगी ना? नहीं यार, अब तो मेरी भी किसी से बात नहीं होती। तो फिर आपको किसने बताया कि वो सारे कहाँ हैं? कोई बताए ना बताए वीर, सब पता चले जाता है। पता है मैं अभी अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप भी कर रहे हो ना? हाँ वीर, ये ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। तुझे पता है अच्छी यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं। आज वक्त चाहे कितना भी बदल गया हो पर वो यादें आज भी मेरे अंदर हैं। पता है ये मुझे सुमन दीदी ने सिखाया, इससे सारी सैडनेस गायब हो जाती। आपकी भी गायब हो गई ना फुर्र से। किसने दिया? हाँ वीर, ये मैं ही हूं। मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मुझे। तुम यहाँ आई कैसे? सीढ़ी से। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये देने आई थी। गर्लफ्रेंड ने, है ना? आपको पता है सुमन दीदू भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी, पर फिर उन्होंने ड्राइंग बनाना ही बंद कर दिया।
बेटा। हाँ मम्मा आया। भैया मुझे मम्मा बुला रही। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इट वाज लवली मीटिंग यू रूपाली। फिर से मिलते हैं जल्दी। अरे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? यंगस्टर्स की शाम तो अभी बाकी है ना। आई नो यार, मैं रुक भी जाती पर एक्चुअली कुछ पेंडिंग काम बचा है घर पे, तो बस वही कंप्लीट करना है। चलो ठीक है, तुम तो रुकोगे ना? आई नो तुम्हें कोई काम नहीं है। अब सुमन रुकेगी तो श्रवण अपना अकेलापन अंदर ही अंदर छुपा रहा है और उसकी असली फीलिंग्स भी। मुझे उससे बात करके पता लगाना ही होगा कि उसके दिल में क्या है। ऑफ कोर्स रुकूंगी। ग्रेट, सॉरी आंटी, सुमन और विक्रम को तो मैंने रोक लिया। कोई बात नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, अब हम चलते हैं। अच्छा जी, नमस्कार। तैयार है ना सब सीरियसली पार्टी करने के लिए? मैं बस 2 मिनट में आई। गाइस आई विल जस्ट बी बैक। श्योर श्योर। सुमन, मैं जानता हूं तुम्हें ये सब पसंद नहीं, तुम सिर्फ मेरी वजह से रुके हो, सो थैंक यू सो मच। अरे डैड का फोन है, मैं अभी आता हूँ। ये लोग आए हैं तो एक सेकेंड। जस्ट इमेजिन, अगर आज तुम यूनिफॉर्म में आते अपनी दिवाली पार्टी के लिए तो कितना अच्छा होता है ना। बहुत अच्छे लगते तुम। वैसे हम फौजियों के लिए दिवाली सच में बहुत स्पेशल होती है, चाहे यूनिफॉर्म हो या ना हो। आज जब यहाँ हूँ तो अपनी यूनिट वालों के साथ दिवाली मनाना बहुत मिस कर रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हम फौजियों की लाइफ सिर्फ मिस करने में निकल जाती है। जब हम कैंट होते हैं तो यहाँ के दोस्त, घर, घरवाले याद आते हैं, और जब यहाँ होते हैं तो अपनी यूनिट और यूनिट के दोस्तों की याद आती है। सैड मत हो तुम, जब तक हम इस पार्टी में हैं तब तक हम तुम्हें किसी और को मिस नहीं करने देंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग मुझे मिस करने ही मत देना, और वैसे भी आज की शाम तो फन के लिए ही है ना, तो ये हाँ। लगता है थोड़ी देर पहले वाली तुम्हारी सारी सैडनेस इन लड़कियों ने गुम कर दी। मतलब थोड़ी देर पहले एक तुम प्यार में हो देवदास, एंड लुक एट यू नाउ, मिस्टर फ्लर्ट ऑफ द इवनिंग। हाँ हे हे श्रवण, आई एम रियली सॉरी। लुक आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई वाज जस्ट टीजिंग यू। आई मीन मैं जानती हूँ थोड़ा सा गलत हो गया और तुम्हें बुरा लगा। गलत, मैंने अपनी पर्सनल बातें बहुत भरोसे के साथ अपनी दोस्त को बताई थी। वो बातें सिर्फ मेरी हैं, मेरे दिल में है, ना कि सबके सामने मजाक उड़ाने के लिए। एक्सक्यूज मी, आपको रूपाली बुला रही है। हाँ उनको बोलो मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अरे अभी तो यही था, कहाँ चला गया? यस घर पर हो गया। बसी यारा, हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली यारा। सर हैप्पी दिवाली। कैसे हो? बढ़िया एकदम मस्त। तो तेरा सही है, तू हमारे बिना ही पार्टी कर रहा है और कान बंद कर लिए कि फोन भी नहीं उठाया, और हम यहाँ सनकी का इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं यार, वो म्यूजिक के शोर में कुछ सुनाई नहीं दिया तो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी पार्टी थी, तूने बड़े मजे किए, पर अब तू हमारे साथ कैंटोनमेंट चल रहा है और भाई मिलके दिवाली मनाएंगे। अभी काफी लेट हो गया यार, तुम फिर कभी। क्यों, कल तेरा स्कूल है? स्कूल तो नहीं है यार, पर अब मैं यहाँ रहता हूँ ना, और यहाँ के कायदे कानून काफी कड़क है,
अगर लेट हुआ तो डांट भी पड़ सकती है और शायद सामान के साथ सीधा क्या बात कर रहा है? क्यों डांट पड़ेगी? और आज तो दिवाली है, दिवाली के दिन कोई रूल्स वूल्स नहीं, और कब से घर के बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं लोग। जाओ शवन। मैं तो कहता हूँ शवन, आज स्पेशल डे का पूरा पूरा फायदा उठा लो। आज ये हाई कमांड भी बहुत अच्छे मूड में है, मैं तो तभी समझ गया था जब इन्होंने कहा कि आज कोई रूल्स है ही नहीं। हाँ सर, चल दो। देख अब तेरे सारे बहाने कैंसिल, फट से तैयार हो जा, फिर निकलते हैं। अरे सुनो, थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ, कुछ दे रही हूँ, साथ में लेते जाना। जी आंटी। चलो भाई, एंजॉय योरसेल्फ, वंस अगेन हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलो गाइस, मैं भी चेंज करके आता हूँ, फट से आ। अरे सुमन, श्रवण कहाँ गया? कहीं चला तो नहीं गया? चला गया मतलब इस वक्त कहाँ जाएगा चाची? अरे वो सौरभ और बस्सी आए थे श्रवण को लेने, वो चाहते थे कि श्रवण के साथ मिलकर कैंट में दिवाली मनाए। मैंने उन्हें रुकने को कहा भी था, लेकिन लगता है शायद हड़बड़ी में निकल गए। पर आपने उन्हें रोकने के लिए कहा ही क्यों? वो क्या है कि उन तीनों को बातें करती थी, मुझे विजय भाई साहब की याद आ गई। वो जब भी वापस कैंट जाया करते थे ना, तो मुझसे कहा करते थे, बिना खीर बनाओ सबके लिए, मैं सबके लिए खीर लेके जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई साहब अपने साथियों के लिए खीर लेकर ना गए। तो मैंने यही सोचा कि ये तीनों भी जाते जाते खीर ले जाते। खैर कोई नहीं, कुछ नहीं होता चाची, मैं ले जाती हूँ, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ दीदू, आप इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? वीर, क्योंकि आज मेरी चाची ने बहुत ही टेस्टी खीर बनाई है, तो जो लोग घर से दूर रहते हैं दिवाली पे, उन्हें भी तो खुश होना चाहिए ना, तो उन्हीं के लिए खीर लेके कैंटोनमेंट जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा आपके साथ। वीर आप क्या करोगे, और वैसे भी आपके सोने का टाइम हो गया। प्लीज दीदू, मुझे भी चलना है। जिद नहीं, प्लीज सुमो दीदू। बड़ी सुमो। हाय सुमो। क्या कहा आपने? सुमो दीदू, मुझे सब पता है। क्या पता है वीर? यही कि ये नाम आपका श्रवण भैया ने रखा था, और वो और यही कि वो आपको सुमो सुमो कहकर स्कूल में चढ़ाते थे। ये आपको श्रवण ने बताया? हाँ। और क्या बताया? और उन्होंने अपने स्कूल फ्रेंड्स के बारे में बताया। और क्या बताया? और वो अपने स्कूल के दिनों को बहुत याद करते हैं अंदर से। और पता है क्या, वो अपनी पूरी स्टोरी बताते बताते बहुत सैड हो गए थे। सर आप दिवाली पे घर नहीं गए? अब तो यहाँ की आदत सी हो गई है, कहीं और दिल ही नहीं लगता है। सही है सर, हमें तो आप जितना टाइम भी नहीं हुआ फिर भी। हाँ, और वैसे भी घर का मतलब क्या होता है, जहाँ सुकून हो, आपके अपने हो, जिनके साथ आप सेलिब्रेट कर सकें, तो मेरा घर तो यही है ना। आज हम भी घर पर ही थे सर, पर अपना एक मिसिंग था तो उसे भी उठा लाया यहाँ, अब वही ना हैप्पी दिवाली। जय हिंद सर, जय हिंद सर, हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली कैप्टन। कैप्टन तिवारी, What a pleasant surprise! Happy Diwali, sir. So, सबका मुंह मीठा कराने के लिए चाची ने घर से खीर भिजवाई है। अरे वाह, अब होगी असली celebration. पवन, हम सबको खिलाओ। Yes, sir. Captain तिवारी के घर से special खीर आई है। Yes, sir. खीर देखकर कर्नल विजय की याद आ गई। उनके साथ 2-3 बार पोस्टिंग हुई थी मेरी, और जो सबसे पक्की और मीठी याद है वो उनके घर से आई हुई मीठी खीर। और जब आते थे तो नामुमकिन था कि वो सबके लिए बिना खीर ले आए, और आप भी अब उन्हीं की तरह। थैंक यू कैप्टन दिवाली, इस बार आपने दिवाली को बहुत ही स्पेशल बना दिया। सनकी आ रहा, आज तो मजा ही आ गया, तू भी आ गया और ये खीर, चला अपने मजे करेंगे, आजा। बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, पर काफी देर से, इनफैक्ट शाम से कोशिश कर रही थी
तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। श्रवण, मैं जानती हूँ कि हमेशा सब कुछ बोलना आसान नहीं होता, पर छुपाना भी। तुम किसकी बात कर रही हो, मेरी या अपनी? श्रवण, मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रहे हो, मुझसे, खुद से, सबसे। आज भी सिर्फ सुमन से ही प्यार करते हो? यारा, तू यहाँ खड़ा है, अगर आपने सनकी के साथ नहीं डांस किया तो कैसी आप पे दिवाली। चल मैं आता हूँ अभी। हाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, चल। कैप्टन आप भी ज्वाइन कीजिए। नो थैंक्स, यू गाइस कैरी ऑन। फिर मेरी बात अधूरी रह गई। अब उस कंफ्यूज्ड सी लाइन के बाद पता नहीं श्रवण क्या सोच रहा होगा। मुझे यहाँ इस तरह बात शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। क्या सोच रहा होगा? फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।